उरई कोतवाली परिसर में यातायात माह का समापन किया गया, जो मुख्य रूप से अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उनके साथ में जालौन अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी बच्चों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। जनपद जालौन के शहर कोतवाली थाना उरई जनपद जालौन में यातायात माह 30 नवंबर 2020 के समापन के कार्यक्रम का आयोजन कोतवाली में किया गया। इस अवसर पर अपर जिला अधिकारी डॉक्टर प्रमिल कुमार सिंह जी व अपर पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह जी के द्वारा विभिन्न स्कूलों के बच्चों को यातायात से संबंधित आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों में विजेताओं को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र प्रदान करके सम्मानित किया गया। क्षेत्राधिकारी नगर संतोष कुमार एवं यातायात प्रभारी लाखन सिंह, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुधाकर मिश्रा जी एवं महिला शक्ति मोबाइल SI रानी गुप्ता, भारत विकास परिषद से अजय इटोदिया, शांति स्वरूप माहेश्वरी डॉक्टर CP गुप्ता व अशोक होतवानी, इन सभी व्यक्तियों को अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राओं को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया है। ब्रजेश कुमार बादल, जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश की खास रिपोर्ट के साथ। आपके साथ किए और हम बता सकते हैं, गर्व के साथ कह सकते हैं कि पिछले साल ये साफ वक्त बिताना है दोस्तों, कोरोना को सब मिलके हराना है दोस्तों, हर देशवासी को ये हिदायत जरूरी है। रिस्पेक्टेड ADM सर, एडिशनल सर, और प्रिंसिपल, मीडिया बंधु, सभी का धन्यवाद इस प्रोग्राम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए। मैं आप सबका अभिनंदन वंदन करती हूँ। यातायात माह में आप सभी ने हम लोगों का बहुत सहयोग किया। समय समय पे हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा हमें आदेश और निर्देश दिए जाते रहे हैं कि महिलाओं, छात्र छात्राओं, बच्चों को यातायात के बाद कोरोना काल में जो ये संक्रमण फैल रहा है उसको रोकने के बचाव के बारे में जागरूक किया जाए। हम सभी लोग स्कूल कोचिंग में जाते हैं, आप सबका सहयोग हमें समय समय पर मिलता रहता है, जिससे हम उन बच्चों के बीच में उपस्थित होकर के उनके उनके अधिकारों के बारे में, जागरूकता के बारे में, और उन्हें संक्रमण के रोकने के लिए हमें उन्हें जागरूक करते हैं, और यह भी बताते हैं कि वह यातायात के समय जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं वो हेलमेट का प्रयोग स्वयं भी करें और अपने माता पिता बालकों को भी ये बताएं कि हेलमेट बहुत ज़रूरी है। ये हमें काफ़ी हद तक दुर्घटनाओं को रोकने में सुरक्षा प्रदान करता है, पूर्णता तो नहीं मगर यह है कि ये दुर्घटनाओं को रोकने में काफ़ी हद तक सहायक है। हेलमेट बहुत ज़रूरी है, इसे मजबूरी मत समझें। सभी अभिभावकों भी को भी यही बताते हैं कि वे अपने बच्चों को बाहर जाते समय हेलमेट जरूर दें, और बच्चों से भी ये हम कहते हैं कि अपने माता पिता से ये रिक्वेस्ट जरूर करें कि हमें और माता को या कहीं कोई जा रहा है तो वो हेलमेट के साथ ही जाए, और इस संक्रमण को रोकने के लिए मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, सैनिटाइज़र का यूज़ ज़रूर करें, और कहीं से भी घर पर आएँ या बाहर जाएँ तो कुछ नहीं तो बस साबुन पानी की सहायता से हाथों को समय समय पर अवश्य धोते रहें। इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद, बहुत सुंदर। प्रगति पांडे सर, वीडियो हाँ इसी तरह।